नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष गुरु में और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है पंडित जी कृष्ण किशोर द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त को जरूर देखा जाता है। गृह प्रवेश हो या फिर विवाह या अन्य मांगलिक कार्य से शुभ मुहूर्त को विशेष ध्यान रखा जाता है। दिसंबर के माह में खरमास लगने के लिए शुभ कार्य पर पाबंदी लग गई है। इस पूरे एक माह की अवधि को खरमास के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे कि खरमास आखिरकार क्या है और इसकी जो अंतिम डेट है वो क्या है। तो पंडित जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि जो खरमास जो भी चल रहा है दिसंबर के माह में, इसका अंतिम तिथि कब है? खरमास की जो अंतिम तिथि है, खरमास का अर्थ होता है कि जब भगवान सूर्य धनुराशि में प्रवेश करते हैं, तो अभी गत 16 दिसंबर को उन्होंने प्रवेश किया धनुराशि में, और उसके पश्चात जब धनुराशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास का समापन होता है। और 2023 में 14 जनवरी दिन शनिवार को रात्रि 8:06 पर सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ खरमास का समापन होता है और माघ मास का जो है उत्तम मास आरंभ होता है। और खरमास की विशेषता यह है कि खरमास में जो भगवान सूर्य के जो 7 घोड़े हैं वह जो है बिल्कुल आराम की मुद्रा में होते हैं। भगवान सूर्य जो हैं मध्यम गति में आ जाते हैं और बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं। और खरमास की जो विशेषता है कि इसमें केवल मुंडन, विवाह, गृह आरंभ, गृह प्रवेश केवल यही कार्य वर्जित हैं, किंतु मलमास इसमें खरमास में विशेष रूप से पैतृक कर्म अर्थात पितृकर्म करने का विधान है। इसमें जो है यदि पितरों के निमित्त लोग गया जी का श्राद्ध आदि करते हैं या अपने पितरों की मुक्ति के लिए किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर के तीर्थ श्राद्ध करते हैं तो उनका संपूर्ण सुंदर फल जो है उनको प्राप्त होता है और उनके पितर प्रसन्न होते हैं। पंडित जी, मेरे याद से सवाल है, जैसे कि आपने बोला कि खरमास के समय पे ये मुंडन, ये शादी विवाह नहीं किया जाता है, क्या कारण है इसका, क्यों नहीं किया जाता है खरमास के दिन? जी, सबसे बड़ा कारण यही है कि जो सूर्य हैं वो धनु राशि में जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी शुभ कार्य में सूर्य की उपस्थिति, सूर्य चंद्रमा की उपस्थिति ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब क्योंकि विवाह या मुंडन या गृह प्रवेश इन कार्यों में विशेष करके सूर्य यदि मजबूत स्थिति में है तब इन कार्यों में करने से सफलता प्राप्त होती है और कार्य व्यक्ति का सफल भी होता है और सिद्ध भी होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है, मान लो वैवाहिक कर्म करता है या कोई भी कर्म करता है, तो सूर्य की वीकनेस के कारण, कमजोरी के कारण उसका संपूर्ण फल उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो है खरमास में ये चीज़ें वर्जित की गई हैं कि विवाह या गृह आरंभ या मुंडन कर्म या गृह प्रवेश इसको वर्जित किया गया है। जी पंडित जी, खरमास के समय पे कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए लोगों को? जी, खरमास के समय विशेष ध्यान देने की बात ये है कि गलतियां ये नहीं करनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आपका भवन बन के तैयार हो गया हो तो आप किसी भी परिस्थिति में उसमें प्रवेश करने की इच्छा ना करें, ना जाएं। आप 14 जनवरी तक आप जो इस चीज़ का परहेज करें और वैसे हर ये 2022 क्या हर वर्ष मध्य दिसंबर से ही खरमास का आरंभ होता है, लगभग 15 दिसंबर 16 दिसंबर से जब संक्रांति चेंज होती है और मकर संक्रांति पे जाके खरमास का समापन होता है। तो गलतियाँ विशेष यही है कि ऐसे समय में जो है बिल्कुल व्यक्ति को मांगलिक कर्म, सगाई आदि का कर्म ये सब वर्जित है, वैवाहिक कर्म वर्जित है और मुंडन आदि कर्म भी वर्जित है। सूर्य उत्तरायण जाकर के 14 जनवरी को होते हैं जब माघ आरंभ होता है, उसके पश्चात ये सारे शुभ कर्म किए जाते हैं। तो यही गलतियां जो हैं हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को नहीं करनी चाहिए कि आप जो है किसी भी परिस्थिति में उसके हमारे पास समय नहीं है, नहीं हमें करना आवश्यक है, तो इसके जो है भविष्य में दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। जी पंडित जी, ये खरमास और मलमास ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसके बारे में थोड़ा विशेषता है, मतलब इनके बारे में बताइए कि आखिर ये दोनों अलग अलग क्या है? जी जी,
जी देखिए, खरमास का अर्थ ये होता है कि जिस समय सूर्य धनु राशि में बृहस्पति के घर में जाते हैं और चैत्र का महीना आता है उसमें मीन राशि में सूर्य महाराज जाते हैं, जब बृहस्पति की राशि में मीन में या धनु में जाते हैं तभी खरमास का आरंभ होता है। और अंतर यह है कि मलमास का अर्थ होता है कि मलमास हर तीसरे वर्ष लगता है, और मलमास का अर्थ होता है कि जब एक महीने में दो महीना हो जाए, जैसे 2023 में मलमास का महीना सावन में लग रहा है कि सावन इस बार दो सावन होंगे, एक अधिक मास भी कहा जाता है मलमास को, और एक कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष इसमें रहेगा श्रावण मास में अधिक मास में, और एक जो है शुद्ध मास में। तो मलमास और खरमास में यही अंतर है कि मलमास तीसरे वर्ष आता है और खरमास जो है प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच में आता है। जी पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल आया है और मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में भी सवाल आया होगा कि खरमास के समय में अगर हम कोई भी शुभ कार्य कर लेते हैं तो क्या हो सकता है, इसका मतलब परिणाम क्या हो सकता है आगे जाके हमारे जीवन में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आजकल का भौतिक युग जो है, अब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, किंतु क्या होता है कि अब कलयुग में क्योंकि पाप की इतनी अधिकता हो गई है, हम इसमें जो भी कर्म करते हैं अगर हम पाप कर्म करते हैं उसका भी परिणाम देर से प्राप्त होता है, और शुभ कर्म करते हैं उसका भी परिणाम देर से प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि कलयुग की जो प्रबलता है, जो कलयुग की इतनी वृद्धि हो गई, तो भौतिक युग में अब हमारे जो भारतीय दर्शक भी हैं पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हैं और अपने आध्यात्म से अपने ज्योतिष पर इन लोगों को थोड़ा सा कम विश्वास रह गया, किंतु यदि आप नहीं विश्वास करते हैं तो कहने का भाव है आप कर लेते हैं कोई भी कार्य तो इसका है कि इसका निकट भविष्य में कहाँ आपको समस्या आती, क्या परेशानी आती है, तो अब उस समय तो आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमने ऐसा कर्म किया खरमास के महीने में इसलिए हमारे साथ जो है ऐसा हुआ, आप महसूस तो कर नहीं पाएंगे, किंतु वही है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। भौतिक साइंस आज ग्रहों की बात बताता है और ज्योतिष ने तो बहुत वर्षों पहले, हजारों लाखों वर्षों पहले नवग्रहों की खोज की कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, मंगल क्या है। आज नासा करोड़ों रुपए खर्च करता है सूर्य ग्रहण की जानकारी के लिए, चंद्र ग्रहण की जानकारी के लिए, और एक भारतीय पंचांग मात्र 100 रुपए का पंचांग एक वर्ष पहले उस चीज को निर्धारित कर देता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा या इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा। तो हमारा जो भारतीय ज्योतिष है वो आज के विज्ञान से कहीं बहुत अधिक आगे है। और दूसरी बात, इस चीज को मानना चाहिए क्योंकि विश्वासम फलदायकम, यदि हम विश्वास करके किसी भी चीज को मानते हैं तो उसका जो परिणाम होता है हमको प्राप्त होता है। तो आप करने में कर लेंगे लेकिन आपको कहाँ इसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे भारत देश में है, आप स्वतंत्र कुछ भी करने में समर्थ हैं, और हम ब्राह्मण या ज्योतिषी और भी जो लोग हैं हम किसी को बाध्य नहीं करते। हाँ, किंतु हम ये मंगल कामना करते हैं यजमान की कि हमारे यजमान अगर शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य करें, अच्छा कार्य करें, उनकी उन्नति होगी, और यदि उनकी उन्नति होगी तो उससे हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि हमारे दर्शक या यजमान लोग भी इन मुहूर्तों में अपने मन से इन कार्य को निर्धारित करके कर लेते हैं तो निकट भविष्य में बहुत चिंताजनक है और भविष्य में बहुत नुकसान होने का अनुमान है कि नुकसान हो सकता है, इसलिए आप भारतीय मुहूर्तों को जो भी हैं आप इसको मान्यता दें, इसके प्रति श्रद्धा रखें और इन चीज़ों को आप ग्रहण करें जिससे ताकि शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो। देखिए, खरमास का महीना बड़ा ही उत्तम महीना है किस कार्य के लिए, विशेष करके पितृ कार्य के लिए। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी पितृदोष है, आप परेशान हैं, आपको समस्याएं आ रही हैं और किसी के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती है कि पितृदोष है, तो पितरों के लिए बड़ा विशेष महीना ही खरमास का महीना माना जाता है। इसलिए विशेष करके अयोध्या आदि क्षेत्रों में बड़ी मान्यता है, गया आदि क्षेत्रों में बड़ी मान्यता है कि खरमास के महीने में आप जा करके गया जी में पितृ श्राद्ध कर सकते हैं,
या आप बद्रीनाथ में जाकर के ब्रह्म कपाली पर आप पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी महीने में पितृकर्म करें, लेकिन जो फल आपको खरमास के महीने में, क्योंकि खरमास को हम दूसरे शब्द में श्राद्ध पक्ष भी कह सकते हैं, एक हिसाब से यह श्राद्ध पक्ष भी होता है, क्योंकि इसमें सर्वथा पैतृक कर्म करना ही शुभ माना गया है, उचित माना गया है। इसलिए यदि कुंडली में सब विशेष करके आपको बताएं कि यदि आपकी कुंडली में लग्न भाव में राहु बैठा है, चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, सप्तम भाव में राहु बैठा है और दशम भाव में राहु बैठा है, तो आपके घर में ऐसे पितृ का दोष है कि आपकी तीन पीढ़ी में ऐसे पितृ आए हैं कि जिनका वंश नहीं चल पाया है, या आप उनकी संपत्ति का भोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको धन प्राप्त हुआ हो या आपको भूमि आदि प्राप्त हुई हो, इसे वंशहीन पितृदोष कहा जाता है। और वंशहीन पितृदोष मनुष्य के जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है, अर्थात ऐसे पितृ जिनकी सदगति नहीं प्राप्त हुई है। तो आपको ये चाहिए कि आप विशेष करके खरमास के महीने में, दूसरी बात ये भी कहूँगा कि राहु के साथ साथ में सूर्य के साथ राहु का जब युति होती है, राहु मिलता है तब जाके ग्रहण योग, तब भी पितृदोष का प्रारंभ होता है। चंद्रमा के साथ आपकी कुंडली में राहु विराजमान है, तभी भी पितृदोष है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में राहु सूर्य के साथ विराजमान है, या अष्टम भाव में आपका बृहस्पति है, या द्वितीय स्थान में कुंडली में आपका जो है राहु चंद्रमा के साथ में है, या द्वादश भाव में है, तो ऐसे कुंडली में जो है पितृदोष जो है संपूर्ण होता है। और घर में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी कमाई है, मतलब अच्छा धन आ रहा है, उसके बाद व्यवस्था नहीं बन पाती कि रुक जाए धन। और सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आपका जो भवन होगा, आपके भवन का जो पैतृक भवन होगा आपका, आपके भवन के दक्षिण दिशा की दीवार और पश्चिम दिशा की दीवार में दरार अवश्य होगी, यदि आपके घर में पूर्वजों का दोष है। तो सबसे सुंदर निवारण है कि किसी सुयोग्य ब्राह्मण के माध्यम से, किसी विद्वान के माध्यम से आप पितरों की सदगति के लिए, क्योंकि आप जब तक नहीं शांति कराते हैं आपके वंशावली में ये क्रमानुसार चलता रहेगा, जैसे जैसे आपका वंश बढ़ता रहेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि वंश ब्रेक भी हो जाता है, पितरों के दोष के नाते वंश समाप्त हो जाता है, आगे वंश की वृद्धि नहीं हो पाती। तो खरमास बड़ा उत्तम महीना माना गया है इन कार्यों को करने के लिए। आप अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव, सप्तेता, मोक्षदायिका, तो ये सात तीर्थ ऐसे हैं विशेष रूप से कि आप खरमास के महीने में जाएं, पितरों के निमित्त आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म करें, या नारायण बलि आदि कर्म करें, या पितृ गायत्री का जप अनुष्ठान कराएं, और उसके पश्चात आपके पितरों को जो है सदगति की प्राप्ति होगी और आपके पितर देव रूप में सदैव आपका जो है मार्गदर्शन करते रहेंगे। किंतु जब तक वो प्रेत योनि में हैं तब तक वो आपको केवल परेशान ही करेंगे, आपके जीवन में समस्याएं ही उत्पन्न करेंगे। वास्तविक में हम लोग पितृदोष बताते हैं, लेकिन जो इसका वेश है इसको कहा जाता है कि प्रेत बाधा, अर्थात आपके ऐसे पूर्व जो प्रेत योनि को प्राप्त हुए और वो पितृ नहीं बन पाए, जिसके कारण आपको उसका दुष्परिणाम मिल रहा है। इसलिए जब आपको यह ज्ञान हो जाए तो आप जो है उनको पितरों की श्रेणी में शामिल करने के लिए खरमास का महीना, क्योंकि श्राद्ध मैंने पहले भी बताया, इसको श्राद्ध मास भी कहते हैं, आप जो हैं इन तीर्थों में जाकर के आप श्राद्ध करें। खरमास के महीने का जो संपूर्ण उत्तम फल यही होता है कि इसमें जो है पितृ प्रसन्न हो जाए आपके द्वारा किए गए कर्म को, और दूसरी बात पितरों के निमित्त तर्पण आदि करना और गौग्रास आदि देना, पितरों के निमित्त अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार अन्य वस्त्र का दान करना। इसीलिए कहते हैं, देखिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती तो लोग खिचड़ी ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि उड़द और चावल ये पितरों के का जो प्रिय भोजन है, तो इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है और खिचड़ी का दान किया जाता है, क्यों, इससे हमारे पितर संतुष्ट हों, प्रसन्न हों। उसके पश्चात तब जा करके लोग घर में अपने मांगलिक कृत्य का प्रारंभ करते हैं, इसलिए खिचड़ी का महत्व 14 जनवरी को है।
तो आप इस खरमास के महीने में मित्रों के निमित्त जो भी उत्तम कर्म कर सकते हैं उनके मोक्ष के लिए यदि आप करते हैं तो उसका आपको सुंदर लाभ मिलता है और आपके पितृ सदैव आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जी बिल्कुल, पंडित जी ने सारी बातें एकदम विस्तार से हमें बताई है कि खरमास और मलमास क्या होता है और क्या इसके विशेषताएं हैं, सब कुछ विस्तार से बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके मन में कोई भी सवाल है या आप किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, चाहे वो वास्तु से के बारे में हो या चाहे किसी के बारे में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको नंबर मिल जाएगा पंडित जी के, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप हमारे वीडियो के वीडियो में देख सकते हैं, इनका जो नंबर है हमने दे रखा है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस खरमास के बारे में आपने बताया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।